दीघा से सोनपुर को जोड़ने वाले जेपी सेतु को एक बार फिर भारी वाहनों के लिए खोला जाएगा। 20 नवंबर से इस पुल पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच भारी वाहन चलने लगेंगे। गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पटना और आसपास जाम की स्थिति से निपटने के लिए नई व्यवस्था करने का फैसला किया है। पिछले दिनों गांधी सेतु पर भारी वाहनों पर रोक से ट्रकों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था के बाद पटना, बिहटा, फतुहा, छपरा, कोइलवर आदि इलाकों में जाम से राहत मिलेगी। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि गांधी सेतु समेत अन्य पुलों पर वाहन परिचालन के नियम तय करने को परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक होगी। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गांधी सेतु को भी 20 से ही बड़े और खाली ट्रकों के लिए खोलने का फैसला हुआ। गांधी सेतु की मरम्मत देखते हुए लोडेड वाहनों पर पाबंदी जारी रहेगी। मुख्य सचिव ने गंगा नदी में बन रहे पीपा पुल को 20 नवंबर तक हर हाल में चालू करने का भी निर्देश दिया। पटना से होकर निकलने वाले भारी वाहन अब अरवल सहार पुल से सोन पार करेंगे। वहीं आरा से पटना होते आगे जाने के लिए भारी वाहन कोइलवर पुल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पुल पर हल्के वाहनों का परिचालन पहले की तरह जारी रहेगा।